हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जावेद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, 11th फिजिक्स का 24th जो लेक्चर रहने वाला है, ठीक है, 24वां ये आज का लेक्चर है आपका। तो आज के लेक्चर में हम जो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी कुछ एक बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जैसे कि मैकेनिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और जिन स्टूडेंट का पिछला लेक्चर कोई छूट गया है तो वो ऊपर आई बटन जो दिख रहा है वहाँ से क्लिक करके उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके उनको देख सकते हैं। बाकी एक आपका जो स्क्रू गेज का जो टॉपिक था सेकंड यूनिट का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आपका सेकंड चैप्टर का, तो उस टॉपिक को हम बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या है, ठीक है। तो आपका मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज मैकेनिक्स, ठीक है। तो आपकी कैसी ब्रांच है, किस चीज़ की ब्रांच है ये, जो मैकेनिक्स जो है आपकी, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो हमारे से किसके साथ डील्स करती है, ये डील करती है किसकी स्टडी, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो है उसकी स्टडी के बारे में। हम जो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब बात करें कि मैकेनिक्स के भी आगे तीन ब्रांचेज आ गई, तीन जो इसके टाइप आ गए वो कैसे हैं। फर्स्ट जो आपका वो क्या है, स्टैटिक्स है। सेकेंड आपका काइनेमेटिक्स है। और थर्ड जो आपका वो क्या है, डायनेमिक्स है। तो फर्स्ट जो इसके बारे में वो क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है। ये कैसी थी मैकेनिक्स जो थी, वो फिजिक्स की ब्रांच थी, बट ये कैसी ब्रांचेज हैं, ये आपकी मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं। तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी कि एक्सटर्नल कोई बॉडी के ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्सेज लग रहे हैं, बट फिर भी वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो नेट फोर्स जो है उस बॉडी के ऊपर वो जीरो की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल हम मान लें कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है इस पर, अज्यूम कर लो, और उसके ऊपर ये दो फोर्सेज जो है वो लग रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्सेज जो है एक दूसरे के फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो ये ऑब्जेक्ट था आपका यहाँ पर जो रखा है इस जगह पर, इस ऑब्जेक्ट को जो है वो एज इट इज, इसकी पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, वो एज इट इज यहीं रखा है, यानी कि उसके लिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। यानी कि कोई एक्शन कर रहा है, किसका एक्सटर्नल फोर्सेज उस पर एक्ट हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पर, बट फिर भी वो कैसा है, इक्विलिब्रियम पोजिशन के अंदर है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो सारे के सारे, उनका जो नेट फोर्स हम निकालते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट का, वो कैसा आपका, वो जीरो के इक्वल है। तो इसलिए आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और ये ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ऐसे मोशन के बारे में हम जब स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, तो वो कैसा, कौन सी ब्रांच आपकी, वो स्टैटिक्स है। इसके अंदर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि काइनेमेटिक्स, हमें यहाँ पर जो है, जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं वो कैसा, वो मैकेनिकल मोशन है ऑफ बॉडीज विदाउट टेकिंग द इंटू द अकाउंट ऑफ द कोज ऑफ मोशन इन द बॉडीज, यानी कि ये जो मोशन हुआ था इसको हमने क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिकल मोशन जो है वो हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ, किस फोर्स की वजह से हुआ, कितना हुआ, हम यहाँ पर वो जो अकाउंट करते हैं इंटू द अकाउंट ऑफ द कोज ऑफ द मोशन, मोशन क्यों हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, उसके बारे में हम डायनेमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। वो कैसे, देखो ये लिखा हुआ है कोज ऑफ द मोशन इन द बॉडी, ठीक है, बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द फोर्सेस विच कोज द मोशन इन द बॉडी। तो यहाँ आपके पास क्या दिया गया था, यहाँ पर हमें दिया गया था विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द कोज ऑफ द मोशन इन बॉडी, ठीक है। ये आपका डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स के बीच में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। मोशन किस वजह से हुआ इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, उसको अकाउंट नहीं करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर डील करेंगे। अगर हम उस जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा था, जिस फोर्स की वजह से उसके अंदर मोशन हुआ है,
तो उस चीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपके पास वो कौन सा आती है, वो कौन सी ब्रांच है, वो हमारी डायनेमिक्स जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, उसके अंदर हम उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक शायद नीचे एक पीडीएफ दी हुई है, तो उसमें हो सकता है कि गलती ये जो है उसमें ये नहीं लिखा कि विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें नहीं लिखा है, तो उसमें आप जो है करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने वो पीडीएफ पढ़ी है उसमें अभी तक है, तो उसमें एरर है वो आप ठीक कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा। तो नेक्स्ट जो आपका वो क्या है, मोशन और रेस्ट। तो ये क्या चीजें हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या होगी उसको हम समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से जो बेसिक है जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमें कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में कब होगा, जब वो आपकी पोजिशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो जब ये रेफरेंस पॉइंट और इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो वो टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, मोशन में है। ठीक है, इसके अदर डेफिनेशन दूसरे वर्ड्स के अंदर इसको अनदर वर्ड्स में बोले तो वो क्या कह रहा है कि मोशन इफ वन और मोर देन वन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद इट्स टाइम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट क्या आ गया, ये यहाँ पर नई टर्म्स हैं। ठीक है, इन्हीं को अब अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी अगर पोजिशन को चेंज नहीं करता है, इफ इट डजंट नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद टाइम। और नेक्स्ट इसमें कहा कि जो है आपका रेस्ट में है, कोऑर्डिनेट्स जो है उसके चेंज नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो ये आपकी जो किताबी लैंग्वेज कहें या फिर जो डेफिनेशन है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे सामने से कोई कार या फिर बाइक कोई भी चीज़ जो है वो गुजरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि रेफरेंस पॉइंट, यानी कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हूँ उसका रेफरेंस पॉइंट हूँ एक तरह से, जो मेरे रिस्पेक्ट में मैं उसको अज्यूम करके देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं फिक्स पोजिशन पर हूँ, तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा यहाँ फिक्स है। मेरे सामने से कोई बाइक या बस जो है वो गुजरी, तो मैंने कंपेयर किया खुद से और देखा तो उसकी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही। ठीक है, अब उसकी टाइम के साथ जो चेंज हो रही है तो हमें क्या लगा कि उसकी पोजीशन जो है वो पहले यहाँ थी, मूव करके यहाँ चली गई, मैं यहीं खड़ा हूँ इसी पोजीशन पर, तो मैंने पहले ही उस चीज़ को यहाँ ऑब्जर्व किया, फिर मैंने उस चीज़ को यहाँ ऑब्जर्व किया, तो उसका टाइम के साथ में उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ गया, चेंज आ गया, तो उसी चीज़ को हमने क्या बोल दिया, मोशन बोल दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इसकी प्रॉपर लैंग्वेज अलग से पढ़ेंगे, बट एक सिंपल एग्जांपल मैंने लेकर के आपको ये बताया। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था कि जिस जगह पर जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमने कंपैरिजन किया है दूसरी बॉडी का, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमने जो दूसरी चीज़ जो ऑब्जर्व करी वो कैसी है, उसकी पोजीशन के अंदर टाइम के साथ चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो जो आपका व्हीकल था कोई भी चीज़ है वो क्या कर रही है, वो मोशन कर रही है, उसकी पोजीशन के अंदर टाइम के साथ चेंज आया तो वो क्या कैसी है मोशन के अंदर। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने टाइम नोट किया वॉच में और देखा कि हाँ स्टॉप वॉच में मैंने टाइम देखा और मैंने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ये बाइक या बस जो भी थी वो यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, वो यहाँ इस पोजीशन पर है, तो मैंने कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए मैंने 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद जो भी है उसको नोट किया और देखा तो वो फिर भी वहीं खड़ी है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं था, तो इस वजह से ये कैसी है, ये बस आपकी रेस्ट के अंदर है। ये जो भी ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पर 10 मिनट 5 मिनट पहले था, मेरे रिस्पेक्ट में मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो भी आपका जो रेफरेंस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, वो रेस्ट के अंदर। ठीक है, तो यही जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये मैंने आपको एग्जांपल लेकर के बता दिया। अगर अदर वर्ड्स में इसको हम देखें तो इसके क्या दिया गया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स के, इसमें चेंज हो रहे हैं मोशन के अंदर, इसके अंदर नहीं हो रहे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं,
आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है, मान लीजिए कि हमने इसकी जो ये ऑब्जेक्ट था इसकी हमने जो फॉर्मेशन की ग्राफ फॉर्म किया, ठीक है। मान लीजिए मैंने, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार जिसने नहीं किया वो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार। मान लीजिए कि आपके पास जो है ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है या रखा है, ठीक है। मान लीजिए आपकी ये बस जो थी वो यहाँ पर है और मैं यहाँ इस ओरिजिन पर खड़ा होकर के इसको देख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो ये लेंथ थी ये मेजर कर ली, यानी कि जो ये एक्स वाई जो डिस्टेंस था इसका, ये इससे अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये किस दूरी पर है आपकी, एक्स डिस्टेंस पर है, और ये जो दूरी है आपकी ये आपकी क्या है, वाई है, ठीक है। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो वो कैसे हैं आपके, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इसकी पोजीशन को बताएंगे। मान लीजिए कि यहाँ से इस तरफ देखूं तो ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से इस तरफ देखूं तो ये 6 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गए आपके इसके कोऑर्डिनेट्स, 5, 6 हो गए। अब अगर हम इसको चेंज, इसके अंदर चेंज को नोटिस करें, यहाँ पर ओरिजिन पर खड़े होकर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, मैं ये रेफरेंस पॉइंट पर खड़ा होकर के देखता हूँ, हमने ऑब्जर्व किया तो कुछ टाइम के बाद ये बस जो थी आपकी इसी पोजीशन पर थी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो कोऑर्डिनेट्स जो थे इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, डू नॉट चेंजेस इट्स कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब ये कैसी थी, रेस्ट के अंदर थी। अगर ये पोजीशन चेंज होती या ये 4 आ जाता, ये 7, 5, 6 चला जाता 5 से, और ये 6 से 7 या 5 आ जाता, तो उसके अंदर कोई चेंज आया, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, बट उसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज आया, इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे थे कि वो रेस्ट के अंदर है, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में उसको अगर डिफाइन करते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल था, इसी चीज़ से हम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसको भी समझ सकते हैं, ये आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करेगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो रेस्ट और मास जो है, रेस्ट और मोशन जो है आपका वो क्या है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का या फिर रेफरेंस पॉइंट का ही खेल है, ठीक है। मान लीजिए हमने जो बस जो अभी नोटिस की थी वो कैसे की थी, वो बस इस पोजीशन पर थी, मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया और देखा कि बस जो है यहाँ खड़ी है, तो कुछ टाइम के बाद देखा तो फिर यहीं खड़ी है, तो इसका मतलब कहा क्या था कि ये बस तो आपकी रेस्ट में थी, ये ऑब्जेक्ट जो था। अगर ये कुछ टाइम के बाद देखी और ये यहाँ आ गई, तो अब इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज कर रही है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये पोजीशन में जो चेंज आया है, तो ये आपका क्या आ गई, मोशन हो गया। अगर हम, या जैसे कि जो रेफरेंस पॉइंट आपका या रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर होता, मान लीजिए कि आपके पास जो कोई बस है, ठीक है, उस बस में आप सवारी कर रहे हैं और आप नोटिस करते हैं कि वो बस जो है अब अगर वो चल रही है, तो हम कैसे महसूस करते हैं कि वो बस चल रही है, हम बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कि बाहर के ऑब्जेक्ट जो हैं, बाहर के जो आपके जो भी आपने जो चीज़ देखी है, ऑब्जेक्ट देखा है, वो कैसा होगा, अगर बस सामने चल रही है तो वो ऑब्जेक्ट से आपको पीछे जाते दिखाई देते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, क्या अंदाज़ा लगाते हैं, वहाँ से केवल अनुमान लगाते हैं, बाहर की चीज़ों को देखकर हमें पता लगता है कि आपकी बस जो है वो मोशन कर रही है नहीं कर रही है, कैसे लगता है। मान लीजिए बाहर कोई ट्री है, पेड़ खड़ा है, उस पेड़ को हम हमारे रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रेफरेंस पॉइंट हमें अपने आप को रखते हुए देखते हैं कि ये पेड़ किसी पोजीशन पर यहाँ है, हमसे इस दूरी पर था, हम बस में बैठे हैं और बस चल रही है, लेकिन हमने क्या नोट किया कि ये पेड़ इस टाइम पर यहाँ पर था, कुछ टाइम के बाद हम कहाँ चले गए, थोड़ा और आगे चले गए, ठीक है, तो ये जो हमने नोट किया तो ये यहाँ पर आ गया आपका पेड़, थोड़ी देर बाद अगर हम और आगे चले गए, बस आपकी आगे सरक गई, तो आपका जो ये पेड़ था ये थोड़ा पीछे चला गया और ऐसे करते करते हमसे दूर चला जाता, यानी कि हम क्या सोचते हैं, अब हमें इस बात का पता है कि पेड़ वहाँ से नहीं चल सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो मेरी पोजीशन में चेंज हो सकता है या उसकी पोजीशन में चेंज हो सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट किसके जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं पोजीशन के अंदर चेंज को कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं, दो चीज़ों के बीच में हम तुलना करते हैं और देखते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है नहीं हो रही। तो मान लीजिए एक आपका क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, या तो आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा या जो आपका रेफरेंस पॉइंट था वो मूव करेगा, तो पोजीशन के अंदर तो दोनों कंडीशन में चेंज आ गया, या यूँ कहें हम कि यहाँ से आप चलना स्टार्ट करें और यहाँ पर आपके पास कोई साइकिल है, आप इस साइकिल के लिए चले गए, तो ये यहाँ से चल करके आप खुद जाओ और इस साइकिल के को आपके पास, मतलब कि आप इस साइकिल के पास पहुँच जाओ, ठीक है, या फिर कोई और बंदा आए और ये साइकिल आपके पास ले आए, तब भी कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, तो हमें अगर इन दोनों चीज़ों को आप उसमें एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, इनका जो पोजीशन को देखते हैं,
तो हम क्या कहेंगे? पहले हम क्या मोशन कर रहे थे? हम खुद मोशन कर रहे थे, इस चीज़ को हम मानते हैं। तो आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट था, हमने क्या रिस्पेक्ट किया, किसके रेस्पेक्ट में देखा? रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने साइकिल को माना कि हमारा जो मोशन है साइकिल को लेकर के, हम साइकिल की तरफ आगे बढ़े तो हमने कोई मोशन किया, ठीक है। वही बात करें अगर साइकिल आपके पास खुद आ रही है, कोई और उसको लेकर के आया, ठीक है, तो आपके पास ये क्या होगा कि आपने यहाँ से नोटिस किया तो साइकिल के अंदर कोई मोशन हुआ, कोई चेंज इन पोजिशन हुआ, उसी को हमने मोशन कहा था। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर बेस्ड था। हम जो रेफरेंस पॉइंट जो भी होगा हमारा, उसी के रेस्पेक्ट में ये चेंज देखेंगे कि पोजिशन के अंदर चेंज हुआ या नहीं हुआ। मेन जो आपका कॉन्सेप्ट है, मेन जो आपका यूं कहें मेन जो जो आपका किंग है इस सारे फिनोमिना का, वो क्या आपका रेफरेंस पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो ये आपके पास में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे थे, अभी जो मैंने अभी आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस किया उसमें भी यही देखा था हमने, अगर हम खुद बस में बैठे हैं तो हमने अलग एक रेफरेंस पॉइंट देखा, अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा। अगर हम बाहर खड़े होकर के बस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक अलग नज़रिए से, अलग तरीके से हमने उसको रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस पॉइंट पर हम उसको नोटिस कर रहे थे, उसकी पोजीशन को, चेंज इन पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो सारा खेल जो आपका वो किस पर है, रेफरेंस पॉइंट पर जो खेल है, रेस्ट और मास का जो खेल है वो सारा का सारा उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट हम किसको कहते हैं और कैसा कैसा जो है वो रेफरेंस पॉइंट हम उसको डिस्कस करते हैं, किस किस सिस्टम के अंदर वो हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने प्रॉपर डेफिनेशन के लिए लिख दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी पहले भी, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको यहाँ से मिल जाएगी और अच्छे से जो इसकी स्पेशल डेफिनेशन कहें, अच्छे से पूरी कंप्लीट लिखी हुई, वो नीचे PDF दी गई है, उसका लिंक मिल जाए आपको, तो आप वहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने वो बता दिया है जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था बस का या फिर बाइक का, उसमें क्या था कि मैं अपने रिस्पेक्ट में उसका मोशन जो है वो देख रहा था। वही चीज़ क्या आपका फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन, उस बस की आपकी पोजीशन चेंज हो रही थी। एग्जांपल से कंपेयर करो, ये डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। पोजीशन, अच्छा फिर उसके बाद आपकी वेलोसिटी थी, हमने उसकी नोट की कि वो किस स्पीड से चली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हम नोट कर रहे हैं तो स्पीड अपॉन टाइम जो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब करेंगे तो स्पीड आ जाएगी, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन जो आपकी वो, और उसकी बॉडी जो एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मेजर। तो ये सारी चीज़ें जब किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में के अकॉर्डिंग जो है रिस्पेक्ट में जब उसको मेजर करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये तीन तरह के होते हैं आपके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आपकी जो ये क्लास, आपका जो चैप्टर है, इसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको लेकर के चलेंगे, बाकी के जो दो सिस्टम ये आगे की क्लासेज में आपके डिस्कस होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके भी दो आगे टाइप्स हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल जो मैंने बताया था आपको, वही लिया है कि आपके पास ये P कोई पॉइंट है, इस O के रिस्पेक्ट में हमने नोट किया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कैसे किसी चीज़ को रिस्पेक्ट में दर्शाते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये इस चीज़ का जो आपका ग्राफ है ये बता रहा है कि OX या OY जो है ये भी आपकी पोजिशन है, इसकी जो लेंथ है ये है, और OY जो थी इसकी लेंथ जो है ये है, इस पोजिशन के इस रिस्पेक्ट में इन कोऑर्डिनेट्स पर जो आपका ये पी पॉइंट या पी ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो रखा है वो लाई करेगा। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये कंप्लीट जानकारी आपको किसके रिस्पेक्ट में देता है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो है वो बताता है। इसके बारे में हम पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सभी चीज़ों को इस ग्राफ की मदद से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से जो है वो डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेज में, वो कैसा आपका वो ऐसा रहने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है इसका इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मूवमेंट करता है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है ना, उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली सेम है, उसके अंदर कोई अप कोई डाउन जो है कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। और जो नेक्स्ट आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके अंदर हमें एक्सेलरेटेड बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका उसमें हम ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा बेसिक्स आपको कि एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन क्या है आपकी, एक्सेलरेशन हमारी होती है एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है,
यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इन दोनों का डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है, मान लीजिए इनिशियली मैं इस वेलोसिटी से यहाँ से इस स्पीड से मोशन करना स्टार्ट किया और आगे जाकर के मेरी मेरी जो स्पीड थी वो कम हो गई या ज़्यादा हो गई, कुल मिलाकर के अगर वो सेम रहती है इनिशियल और फाइनल, तो ये जीरो आ जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। सेम रहने के लिए हमने क्या कह दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जब आपकी वेलोसिटी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आई, कोई चेंज आया, तो हम किस में पढ़ेंगे उसको, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपके बेसिक थे। इसी चीज़ की जो डेफिनेशन है वो नीचे आपको देखी, आपको मिल जाएगी कंप्लीट, क्योंकि बार बार ये मैं लिखूंगा डेफिनेशन को, तो आपकी वीडियो लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है ना, तो वो PDF आपको नीचे मिल जाएगी, जो उसमें लिखा है वो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। ठीक है, ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ये आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। तो आज की क्लास में हमने मैकेनिक्स क्या है, जो ऑब्जेक्ट किसी मोशन के अंदर होते हैं उनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम मैकेनिक्स ब्रांच बोलते हैं फिजिक्स की, और मैकेनिक्स के अंदर भी हमने स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो था वो क्या पढ़ा, उसके बारे में हमने पढ़ा मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, और मोशन और रेस्ट को हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में उसको हम उसकी वैल्यूज़ को अज्यूम करते हैं, मानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आपका क्या होता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तीन तरह के होते हैं, हम तीन तरह के सिस्टम्स के अंदर इसको मेजर या करते हैं या फिर वो लेकर के चलते हैं, वो तीनों ये थे। लेकिन हमारी क्लास में जो है वो क्या, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ये ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो इसलिए हम केवल कार्टेशियन जो सिस्टम आपका उसके बारे में यहाँ आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है उसमें बेसिक टर्म्स जो आपकी 9th क्लास में भी हम आपने पढ़ी होंगी, मोशन जो चैप्टर था, आप मेरे चैनल पर ऊपर जो 9th फिजिक्स का जो नीचे आप सर्च करोगे कहीं पर भी जाकर के, यानी कि चैनल पर जाकर के एक प्लेलिस्ट बनी हुई, इसका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अगर आप देख सकते हैं तो एक बार आप उसको देख लीजिए। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इस क्लास के, जो बेसिक टर्म्स हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक एक करके डीपली जो है वो डिस्कस की हुई। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में बस यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पढ़ा है उसकी PDF का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के अगर आप प्रॉपर नोट्स आपके तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपकी हेल्प होगी, उसमें से आप प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो डायग्राम के साथ वो दी गई हैं वो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।